आजादी मांगने वाला एएमयू कैंपस वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंजा निकली तिरंगा यात्रा। एएमयू इंतजामिया ने दी नहीं परमिशन, इसकी परमिशन आयोजक एएमयू छात्र अजय सिंह बीजेपी एमएलए पोत्र हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में लॉ की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र नेता अजय ठाकुर सिंह गणतंत्र दिवस की तैयारियों के साथ तिरंगा बाइक यात्रा का किया आयोजन। इसमें कैंपस के सैकड़ों छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देखने को मिला कि जिस कैंपस में आजादी के नारे लगाए गए थे, आज उसी एएमयू के इंजीनियरिंग फैकल्टी से लेकर बाबे सैयद गेट तक वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे गूंजते हुए सुनाई दिए। आपको बता दें, अजय सिंह बीजेपी बरौली से विधायक दलबीर सिंह के नाती हैं। वहीं एएमयू इंतजामिया द्वारा कैंपस में तिरंगा बाइक यात्रा निकालने को अनुमति न मिलने पर अजय ने कहा कि तिरंगा यात्रा को सबका समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इंतजामिया द्वारा दोहरा रवैया अपनाने के लिए विरोध में एचआरडी मिनिस्ट्री को पत्र लिखकर शिकायत की बात कही है। इधर अजय की बातों का एएमयू में पढ़ रहे अन्य छात्र नेताओं ने भी समर्थन किया है। वहीं एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहसिन खान ने कहा कि बिना परमिशन के तिरंगा यात्रा निकालने और इसमें शामिल हुए सभी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, आज एएमयू में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसकी क्या परमिशन मांगी गई थी, क्या हुआ? यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है, किसी भी किस्म की क्लासेस के दौरान कोई भी प्रोसेशन या जुलूस निकालने की परमिशन नहीं, इस वजह से उन्हें ये परमिशन मना कर दी गई थी। तो किसने परमिशन मांगी थी और किस तरह की परमिशन थी? अजय सिंह के नाम की एप्लीकेशन थी और इसलिए उन्हें मना कर दिया गया था कि हम कोई भी परमिशन नहीं दे सकते, किसी भी किस्म की, एडमिनिस्ट्रेशन का ये डिसीजन है। तो बिना परमिशन के बावजूद उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है, तो इसमें कुछ जिन भी लड़कों ने आज तक बगैर परमिशन के प्रोसेशन निकाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन। थैंक यू सर। तरह की तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी आने वाली, यानी गणतंत्र दिवस इस देश का। राष्ट्रभक्तों ने मन में राष्ट्र भावना की फूंक लिए हुए राष्ट्रभक्ति के राष्ट्रबंधन की जय घोष के साथ में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो क्या इसकी परमिशन मिल पाई? इसकी परमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से बार बार ये अड़ंगे लगाए जा रहे हैं कि वो परमिशन में अड़ंगे लगाते हैं, कभी हमारे विरोधों को रोकना चाहते हैं, कभी प्रदर्शन को रोकना चाहते हैं। ताना सही रवैया उन्होंने अपना रखा है। आज तिरंगा यात्रा के लिए परमिशन में अड़ंगे लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं भारत के गणतंत्र को, संविधान को चैलेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि भैया ने बताया कि शिकायत की जाएगी प्रशासन से, और आगे जो कार्रवाई या प्रदर्शन रहेगा वो किया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को हमें पूर्ण स्वराज मिला और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया, और ये संविधान की बदौलत ही है कि जो आज भारत एक मजबूत लोकतंत्र और मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत डिफेंस के तौर पर उभर रहा है। लेकिन कहीं हम इतिहास को पीछे पड़कर देखें तो कई सौ सालों की गुलामी, और हमारे स्वतंत्र सेनानी और महानुभाव जेलों में गए, लड़ाई लड़ी, खून बहा, उसके बाद कहीं जाके आज हम इस तरह का भारत देख पा रहे हैं। तो उन्हीं स्वतंत्र सेनानियों को, उन्हीं फौजियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, और हम इसके जरिए उनको नमन करते हैं। एएमयू में कहां से कहां तक ये तिरंगा यात्रा? एएमयू में एजुकेशन डिपार्टमेंट से बाबा यात्रा निकाली गई। तो क्या इसकी परमिशन मिल पाई थी? परमिशन के लिए डाला तो था, लेकिन जब हम निकालने के लिए खड़े थे तो वो लोग आए कि परमिशन नहीं मिली, परमिशन नहीं हुई आप लोगों की, तो आप ये मार्च निकाल सकते, लेकिन क्योंकि बच्चों को हमने इकट्ठा कर लिया था तो हमने मार्च निकाला है। तो क्या मानते हैं, परमिशन क्यों नहीं देते वो भी तिरंगा यात्रा जैसे? ये तो एएमयू इंतजामिया का दौरा रवैया कि वो परमिशन नहीं देते। अगर आप देखें तो तिरंगा यात्रा की वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन बात लाइब्रेरी कैंटीन के पीछे संविधान की कॉपी दिलाई जाती है, तो ये तो एएमयू इंतजामिया का दौरा रवैया है। तो इसके लिए क्या इंतजामिया के खिलाफ कोई शिकायत करेंगे? नहीं, इंतजामिया के खिलाफ शिकायत एचआरडी मिनिस्टर को हम लिख के देंगे कि अपनी मनमानी चला रहे हैं और एक पूरी डिक्टेटरशिप चला रखी है वाइस चांसलर साहब ने, कि इनको लेटर लिखो तो उन लेटरों की रिप्लाई नहीं करते हैं, कोई परमिशन मांगो तो उनकी परमिशन नहीं लिखते हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे।